क्या आपको भी जुगाड़ू वाली जो रेसिपी रहती है काफी पसंद आती है? और आप भी ऐसा करते हो क्या कि जो है घर पे कुछ भी हो उसे को मैनेज करके अच्छी वाली चीजें जो मन करे उस हिसाब से बना लेते हो? मैं तो अक्सर यही करती हूँ। तो मैंने आलू को ना सब्जी के लिए बॉयल होने के लिए रखा था, तो उसमें थोड़ी सी मटर डाल दिया और धनिया पत्ता लिया ढेर सारा, उसमें दो मिर्ची, दो बहुत तीखी मिर्ची थी इसलिए दो ही लिया था, थोड़ी सी इमली डाली और एक चटनी टाइप का बना दिया। ये चटनी ना हम बताते हैं किस लिए बनाया है। उसमें थोड़ा सा पानी और डाला इससे पतली बजाए, फिर उसमें थोड़ा सा काला नमक डाला। चाट मसाला डालना ऑप्शनल है, बिल्कुल भी डालेंगे तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने अच्छे से मिक्स करके देखा, फिर ही हमारी जो आलू और मटर बॉयल्ड हो गई थी। तो मैंने खुद के लिए बनाया था इसलिए उसमें मैंने थोड़ा सा एक आलू लिया और मटर मैश कर दिया, प्याज डाला, चाट मसाला। अब आपको समझ में आ ही गया होगा मैं क्या बना रही हूँ। हाँ, मैं गोलगप्पा बना रही थी, बस क्योंकि मटर सूखी वाली थी नहीं तो हरी वाली मटर थी, तो मैंने यही जुगाड़ निकाला और सारे जो गोलगप्पे थे उसको फ्राई, कुछ फूले कुछ नहीं फूले, कुछ गुस्सा के पचक गए थे, तो मैंने इसको इस तरह जो है बना लिया, छान लिया, जो भी सही था मुझे ही खाना था इसलिए मैंने इस तरह जितना भी सही था उसको लिया और बाकी रख दिया। और अच्छे से फोड़ लेंगे और ये जो आलू मसाला था मतलब आलू वाला उसे फिल करेंगे और पानी में डिप करके आराम से खाएंगे मजे लेकर। थैंक फॉर वॉचिंग गाइस।